ट्रेन का सफ़र। धीरे धीरे ट्रेन अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। पूजा अपने पति राम और 7 साल का बेटा रोहित के साथ पटना अपनी माँ के घर जा रही थी। सीट नंबर 25, 26 और 27 उनका बुक किया हुआ था। दोनों पति और पत्नी रोहित के साथ सीट पर बैठे थे और उनके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। पूजा जो कि 5 सालों के बाद अपने माँ के घर जा रही थी, राम के साथ बीते दिनों की बातें कर रही थी। ट्रेन दुर्गापुर स्टेशन में रुकी और राम बाटल में पानी भरने के लिए स्टेशन पर उतरा और पूजा बेटे रोहित को वीडियो गेम खेलने से मना करते हुए बोली, बेटा वीडियो गेम खेलना बंद करो और अब खाने का समय हो गया है, चलो हाथ धोकर खाने बैठो, पापा पानी लेकर स्टेशन से आते होंगे। रोहित ट्रेन में लगी पानी के बेसिन में हाथ धोया, तब तक राम पीने का पानी लेकर आ चुका था। पूजा अपनी पति और बेटे रोहित के सामने घर से लाया हुआ खाना रख दी और फिर तीनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद पूजा ने ट्रेन के सीलिंग से लगी लाइट को बुझा दिया और अपने सीट पर फिर लेटकर तीनों सोने की कोशिश करने लगे। कब आंख लगी उनको पता ही नहीं चला। तभी ट्रेन बड़ौनी स्टेशन पर रुकी और पूरे ट्रेन में चोर चोर की आवाज़ गूंजने लगी। शोर सुनकर राम और पूजा की आंख खुल गई और घबरा कर दोनों पति पत्नी ने अपने सामान को सीट के नीचे देखा। सीट के नीचे देखते ही उनके होश उड़ गए। सामान से भरा हुआ उनका सूटकेस कहीं भी नहीं दिख रहा था। अपने सामने सीट पर नज़र गई तो सीट को खाली पाया और उस पर बैठा हुआ अधेड़ उम्र का व्यक्ति कहीं नहीं दिख रहा था। दूसरी सीट पर गुस्से में बातें करते हुए और भी मुसाफिर नज़र आए और उनसे जब पूजा ने पूछा तो पाया कि 6 आदमी का गैंग दुर्गापुर में ट्रेन में उठे थे और बड़ौनी में आते ही बहुत से मुसाफिरों का सामान लेकर उतर गए। पूजा और राम समझ गए कि उनका सूटकेस भी चोरों के गैंग ले गए। दोनों पति पत्नी अपने सर को पीट लिया और RPF को चोरी का रिपोर्ट लिखाकर पटना की तरफ अपने को कोसते हुए और सामान चोरी होने के दुख लिए हुए सफ़र जारी रखा। दोस्तों, ट्रेन में सफ़र करे अपने आँख को खुला रखे और अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करे। कहाँ पर क्या घटना हो जाए कोई नहीं जानता। रात को अगर नींद आए तो फैमिली का कोई ना कोई आदमी को जागते रहना चाहिए। खुद के सामान पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करें।